हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज होता है उसमें कुछ लिखा होता है, कुछ साइन होता है, लेकिन हमें क्या मतलब है, हम तो उसे इग्नोर कर देते हैं, जाने दो। लेकिन यदि आप इग्नोर करते हैं तो आपको कोई भी पोपट बनाकर चला जाएगा, उल्लू बनाकर चला जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे अपने मोबाइल के चार्जर में, पावर बैंक में, बैटरी होता है मोबाइल का, अपने एलईडी बल्ब में, सीएफएल में, कहीं टीवी में भी देखेंगे तो आप कुछ साइन होते हैं, लेकिन आपको उस साइन का मतलब नहीं पता होता। हमें क्या मतलब है, जानकर क्या करेंगे, कुछ कवाड़ना थोड़ी है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए यदि आप जान जाएंगे तो आप कोई भी पोपट नहीं बनाएगा और कोई भी उल्लू नहीं बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या उस साइन का मतलब है। बहुत सारे आपको साइन जैसा कि दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इस तरह का आपको साइन एलईडी बल्ब पे, पावर बैंक पे और चार्जर पे देखने को मिलता है, लेकिन आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल का आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, हमारे घर पे पावर बैंक का यूज होता है और आप सभी यूज करते होंगे, क्योंकि पावर बैंक सबसे अच्छा पोर्टेबल चार्जर है। कहीं भी जाइए चार्ज करने के लिए सबसे अच्छा पावर बैंक है, करंट सप्लायर है। लेकिन यदि आप किसी भी डुप्लीकेट कंपनी का पावर बैंक लेंगे तो आपको उस पर कुछ सिंबल नहीं होगा, कुछ साइन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उस पर कुछ लिखा नहीं होगा। लेकिन यदि आप किसी ब्रांडेड कंपनी का जैसे सोमी का, इंटेक्स का, सिस्का का लेंगे तो आपको उस पर कुछ सिंबल होते हैं। यदि आपने उस पर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन हमें क्या मतलब है, हम तो इग्नोर कर देते हैं और हमें कोई भी पोपट बना के चला जाता है। यदि आप अपने घर पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एक साइन होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है लेकिन हमें नहीं पता होता। यदि आप किसी फेक प्रोडक्ट में देखेंगे तो ये आपको साइन नहीं मिलेगा। इस साइन का मतलब होता है कि जो है ये ब्रांडेड माल है, इसी कंपनी का है, इस पर एक IS नंबर लिखा होता है, यानी ये सर्टिफाइड कंपनी द्वारा है, ये किसी फेक द्वारा नहीं है। यदि आप फेक लेंगे तो इसमें सर्टिफाइड नंबर नहीं लिखा होता, IAC नंबर नहीं लिखा होता है। इस साइन से ही पता चलता है कि एक कंपनी ओरिजिनल है, रियल प्रोडक्ट बनाती है, जेन्युइन है। और इससे पता चलता है कि जो ये पावर बैंक बना है पूरी तरह से हमारे लिए सेफ है, ये कहीं फटेगा नहीं, कहीं उड़ेगा नहीं, समझे। और इसका सिंपल सा यही यूज होता है। यदि आप किसी LED बल्ब में इस साइन को देखते हैं तो क्या उसका रिएक्शन होता है, तो दोस्तों आपको इस तरह से चार्जर में भी देखने को मिल जाता है। जो भी रियल प्रोडक्ट होते हैं, ओरिजिनल चार्जर होता है, उस पर भी IS नंबर और IEC नंबर लिखा होता है, ध्यान से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। और इस साइन का मतलब होता है कि जो चार्जर बनाया गया है वो बहुत ही टेस्टिंग के दौरान बनाया गया है और बहुत ही स्टैंडर्ड से गुजारा गया है, ताकि आपको कुछ भी इसमें शॉक ना लगे, जैसे करंट सप्लाई हो तो इसमें आपको झटका ना लगे। और यहाँ पर चार्जर में कुछ और जैसे सिंबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको होम का सिंबल दिख रहा है। यदि आप इस चार्जर को होम यानी घर में यूज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसे घर के लिए ही बनाया गया है और जो पावर हमारे घर पे आता है, सप्लाई होता है करंट, वो इतना ही के लिए बनाया गया है, इसलिए हमें यूज करने के लिए घर पे दिया गया है। इस सिंबल का यही मतलब होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और सिंबल होता है, डबल स्क्वायर। इस डबल स्क्वायर का मतलब क्या है, लेकिन दोस्तों यदि आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डबल इंसुलेटेड है, यानी इससे जो भी इसमें करंट यदि कुछ खराबी होता है या ब्लास्ट होता है तो आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए इसे बनाया गया है। यदि अभी कभी आपके वायर में जो डेटा केबल होता है उसमें यदि करंट पास होगा तो आपको लाइन नहीं मारेगा, यानी शॉक नहीं लगेगा, इस तरह से यूज किया गया है। और यहाँ पर देखिए, इसमें भी एक डस्टबिन का जो चिन्ह दिख रहा है उस पर क्रॉस किया होता है, इसका क्या मतलब होता है। यदि आपका यह प्रोडक्ट या चार्जर खराब हो गया हो तो आप इसे किसी डस्टबिन में या कूड़े कचरे में या किसी पैलेस में नहीं फेंक सकते। यदि हो सके तो आप इसे कंपनी को रिटर्न कर दीजिए, लेकिन इस साइन का मतलब यह होता है कि आप इसे किसी डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हैं। और यहाँ पर एक भी का मार्क होता है जो आपको ओरिजिनल चार्जर में ज़रूरी होना चाहिए। यदि आप कहीं भी ओरिजिनल चार्जर लेते हैं तो भी का मार्क नहीं है तो समझिए कि वो फेक चार्जर है। तो आपको हो सके तो ओरिजिनल चार्जर लेने की कोशिश कीजिए और भी का मार्क रहना चाहिए। ये भी का मतलब क्या होता है, भी का मतलब होता है 5। यदि रोमन वंश में जानते हो तो भी का मतलब होता है 5। इस 5 से आप ये पता कर सकते हैं कि जो क्वालिटी है इसका, जो स्टैंडर्ड है, आपको कहीं ना कहीं इसमें 4 भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री में और इंडियन कंट्री में थोड़ा सा होता है, तो यहाँ पर 4 भी कभी मिल जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा, इससे आपका स्टैंडर्ड पता चलता है ये हाई क्वालिटी का है, ठीक है। तो देखिए, आपके घर में यदि LED बल्ब यूज होता है तो आपको पता होगा कि इसमें भी साइन होता है, जैसे कि देख लीजिए, ये सर्टिफाइड कंपनी द्वारा है।
यदि आप नहीं देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर है ठीक है। यदि आपके पास नहीं है ये साइन बल्ब में तो आपका बल्ब डुप्लीकेट है, फेक है। कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आता तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऑलवेज इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ, मोबाइल एंड ऐप्स रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।